क्या भारत एक बार फिर कोरोना की चपेट में है? क्योंकि COVID-19 के नए सब वेरिएंट JN1 के गोवा, केरला और महाराष्ट्र में अब तक 21 नए मामले सामने आ चुके हैं और पूरे भारत में 2311 मामले, जिसमें से 16 लोगों की जान जा चुकी है। नए साल का जोश सर पर है, ऊपर से कोरोना का खतरा। मुझे भी रिसेंटली जब बैंगलोर से दिल्ली ट्रेवल करना था तो अचानक से मुझे पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट ने मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी कर दी है। इसका मतलब रिस्क है और बड़ा है। अब कोरोना का समय सबने देखा है, तब जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए गए थे उन्हीं बातों का ध्यान अभी भी आपको रखना है। अपने हाथों को कुछ समय के अंतर में नियमित साफ करें, साबुन या पानी का इस्तेमाल करें या फिर अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से हाथों को रगड़ें। खांसने या छींकने पर अपनी नाक और मुंह को अपनी मुड़ी हुई कोहनी या एक टिश्यू से ढक लें। यदि आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ है तो इलाज करवाएं और मास्क पहन के ही पब्लिक प्लेसेस पर निकलें गाइस, क्योंकि सावधानी बरतेंगे तभी हम बचे रहेंगे। इसको शेयर करो ताकि लोगों को बचाया जा सके। शाहरुख खान की फिल्म डंकी की आजकल बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन ये डंकी नाम बड़ा अजीब सा है, तो सोचा कि शाहरुख खान ने अपनी फिल्म का नाम डंकी क्यों रखा। रिसर्च करने के बाद जो हमने पाया वो बड़ा मजेदार है। असल में मूवी का नाम डंकी डंकी फ्लाइट से इंस्पायर्ड है। दूसरे देशों में जाने के लिए लोग जो इलीगल रास्ता अपनाते हैं उसे डंकी फ्लाइट कहते हैं। कई बार जिन लोगों का विदेशों में वीजा नहीं लग पाता वो डंकी रूट का इस्तेमाल करके कई जगहों पर ठहरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इस पूरे सफर में इलीगल एजेंट्स उनकी मदद करते हैं, जिसके बाद लोग 40 से 50 लाख रुपए तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक देश से दूसरे देश पहुंचने के लिए उन लोगों को लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इसके बावजूद कई बार इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते वक्त जो लोग पकड़े जाते हैं उन्हें फिर से उनके देश में वापस भेज दिया जाता है। और SRK की डंकी फिल्म इसी विषय पर आधारित है। वैसे गाइस, क्या इसके पहले तक डंकी का इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बिहार का एक लाल जिसने भारत माता की सेवा के लिए लाखों की सरकारी नौकरी छोड़ दी। बिहार के परसिया गांव में रहने वाले सोनल राज ने 2 साल तक गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में नौकरी की, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा, जिसके बाद उनका गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी सिलेक्शन हो गया था। पर उनका मन उन्हें देश सेवा की तरफ जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि उनके पिताजी और दोनों चाचा भारत माँ की सेवा में कार्यरत थे। ऐसे में सोनल ने नौकरी करते हुए एयरफोर्स की तैयारी शुरू की और अपनी मेहनत के बलबूते फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर सेलेक्ट भी हो गए। खास बात यह है कि एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद जब पासिंग आउट परेड हुई तो वहां पर सोनल के माता पिता को बुलाया गया था। सोनल के पिता खुद एयरफोर्स में मास्टर वारंट ऑफिसर होने की वजह से सोनल को मेडल और सर्टिफिकेट लेता देख गर्व महसूस कर रहे थे। सरकारी नौकरी के पीछे भाग रही इस दुनिया में देश सेवा के प्रति इतना जुनून शायद ही किसी ने देखा होगा। गाइज, आपको ये देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस होने के बाद भी एक महिला को लाखों रुपए का चूना लग गया, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अकाउंट में पैसा नहीं है तो फिर स्कैमर्स ने चूना कैसे लगा दिया? असल में एक महिला ने अपने बैंक अकाउंट से ट्रेन की टिकट बुक की थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसे टिकट कैंसिल करना पड़ा। पर जब काफी इंतजार के बाद भी टिकट का पैसा रिफंड नहीं आया तो उस महिला ने कस्टमर केयर से बात करने के लिए गूगल का सहारा लिया और यही सारा खेल हो गया। गूगल पर मिले एक नंबर पर जब उस महिला ने कॉल किया तो उस महिला को अकाउंट की जानकारी मांगी गई, इसीलिए उस महिला ने अपने 0 बैलेंस वाले बैंक अकाउंट की डिटेल दे दी। इसके बाद उस महिला को एक लिंक भेजी गई और जैसे ही उस महिला ने लिंक पर क्लिक किया तभी उस महिला का फोन क्लोन हो गया और उसमें मालवेयर इंस्टॉल हो गए, जिसके बाद उस महिला के बाकी अकाउंट से 3 लाख रुपए गायब हो गए। यही नहीं, उसके 0 बैलेंस अकाउंट पर लिए गए क्रेडिट कार्ड से लाखों का ट्रांजेक्शन भी कर लिया गया। गाइज, इसीलिए जल्दी जल्दी में कस्टमर केयर का नंबर गूगल पर ढूंढने से पहले जरूर चेक कर लें कि वो वेबसाइट ऑफिशियल है या नहीं, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे।